गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम आरपीएस स्कूल जपा मुजफ्फरपुर। स्टूडेंट आई एम यूर जीके टीचर। सो क्लास वन एंड सब्जेक्ट जीके। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एग्जाम के पहले के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, ठीक है। तो आज आपका रिवीजन क्लास होगा। देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम जान लें कि प्रीवियस चैप्टर जो हमारा था उसका रिवीजन करेंगे, थोड़ा जानेंगे उसके बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग अपनी बुक निकालिए और देखिए चैप्टर नाइन और टेन। स्टूडेंट्स, चैप्टर नाइन है हमारा एनिमल होम्स। ओके, तो एनिमल होम्स में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ जानवर हैं जिनके घर के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि डॉग, तो डॉग का घर जो है वो है केनल, ठीक है स्टूडेंट, है ना। जैसे कि काऊ, काऊ का सेट। ओके, बर्ड, बर्ड का नेस्ट। ओके स्टूडेंट, स्टेबल, कॉक, हेन का घर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ घर के नाम और जानवर के नाम पढ़े थे। अब हमारा है दूसरा चैप्टर टेन, एनिमल साउंड। ओके, कुछ जानवर हैं जैसे कि एलिफेंट, तो एलिफेंट का साउंड क्या है, ट्रम्पेट्स। ओके, रोअर, ये सब साउंड है। तो कुछ जानवर और उनके साउंड्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग को याद होगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स जो है और नॉन लिविंग थिंग्स, आप लोग पढ़े थे ना सजीव और निर्जीव के बारे में, तो वही है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप लोगों को याद ही होगा। अब दूसरा चैप्टर हमारा हेल्पर्स नेम। स्टूडेंट्स, कुछ हेल्पर्स के नाम हम लोग पढ़े थे, याद किए थे, नर्सरी से ही याद करते आ रहे हैं, है ना। तो हमें हेल्पर्स नेम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल इरेजर निकालिए और देखिए बोर्ड पे रिवीजन क्लास। ओके, राइट द फाइव एनिमल्स विथ होम्स। स्टूडेंट, हमें पांच एनिमल्स के नाम लिखने हैं और उस एनिमल्स के साथ उसके घर का नाम लिखना है, ठीक है, कि उसका घर क्या है। तो एक साइड हम कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे एनिमल्स नेम और एरो देके एक साइड हम लिखेंगे एनिमल्स के होम, ठीक है, मिलाएंगे नहीं, इसके सामने सामने लिखते हैं, ठीक है। देन टू इज राइट द फाइव एनिमल्स विद साउंड। स्टूडेंट, इसको भी हम इसी तरह लिखेंगे, एक साइड हम एनिमल्स का नाम लिखेंगे और दूसरे साइड हम एनिमल्स का साउंड लिखेंगे, ठीक है। देन थ्री इज राइट द फाइव लिविंग थिंग्स। हमें पांच लिविंग थिंग्स के नाम लिखने हैं, कोई भी जो आपके इन्वायरमेंट में है, जो आपके वातावरण में अगल बगल जो भी है उसमें से हम कोई भी पांच लिखेंगे। राइट द फाइव नॉन लिविंग, उसी तरह से हम नॉन लिविंग भी कोई भी पांच लिखेंगे, ठीक है। देन फाइव इज राइट द फाइव हेल्पर्स नेम। स्टूडेंट्स, हेल्पर्स नेम में कौन कौन हो सकता है, तो डॉक्टर, है ना, आप लोग के अगल बगल जितने भी हेल्पर्स हैं, जैसे मिल्कमेड, आप लोग के घर पे दूध देने आते होंगे, मिल्कमेड, डॉक्टर्स, पोस्टमैन, ईटीसी, ठीक है। इस तरह से आप लोग पांच ये लिखिए, ठीक है, और इसे आप लोग अच्छे से याद करके और अपनी कॉपी में पहले लर्न करिएगा, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट डन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमारा था ये रिवीजन क्लास, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा कॉपी में और अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।